हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं और आप सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस का जो ऑप्शन है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। और आज 2 फरवरी 2021 हो चुकी है, प्लस हमारा करेक्शन पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको समाज कल्याण अधिकारी ने क्या कहा है वो लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं आप लोग अपना पीएफएमएस का स्टेटस कहां से चेक कर सकते हैं और यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सिंपली sarkarijobfind.com पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकेंगे। प्लस आप लोग यहां से यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं और पीएफएमएस का स्टेटस चेक करके जान सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आपको बताते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी ने क्या कहा है। सो गाइज, यहां पर आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। यहां पे मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूं कि क्या नोटिफिकेशन है। शैक्षिक स्तर 2020-21 में देश मोतर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अंकित त्रुटियों संध्यास्पद डेटा को छात्रों द्वारा सही करने की समय विधि शासन द्वारा 1 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे रखा है कि आपकी जो करेक्शन डेट्स हैं वो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2021 तक है, यानी कि 10 दिन के अंदर आपको अपना करेक्शन करना है, जिसमें संध्यास्पद डेटा को छात्रों विद्यालयों के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से छात्रों द्वारा त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने में छात्र छात्राओं द्वारा वार्षिक परीक्षा फल, दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल ना निकलने की दिशा में रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर ऑप्शन चुनते हुए छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन किया गया है। ऐसे में सभी छात्रों का डेटा संध्यास्पद श्रेणी में है, यानी कि जिन छात्रों ने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर सिलेक्ट किया था उन सभी के फॉर्म जो है सस्पेक्ट है। यहां पर यह बात दे रखी है, परीक्षा फल भरते हुए ऑनलाइन पुनः सबमिट किया जाएगा और सबमिट करने के उपरांत छात्रों द्वारा विलंब 12 फरवरी 2021 तक समस्त वंचित संलग्नों को सहित अपने विद्यालय पर जमा किया जाना है, जहां से विद्यालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2021 तक अभिलेखों का मिलन करते हुए पुनः छात्रवृत्ति डेटा को ऑनलाइन सत्यापित अगर सारित किए जाने हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि 10 फरवरी 2021 तक आपको करेक्शन करना है और उसके बाद 12 फेब तक कॉलेज में जमा करके 13 फेब से आपके जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मगर अभी तक करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि शायद करेक्शन पोर्टल किस वजह से ओपन नहीं हुआ है। यहां पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, अतः उक्त संबंध में जनपद के समस्त देश मोतर कक्षा के छात्र छात्राओं एवं विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में सुधार करते हुए ऑनलाइन स्थापित अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सस्पेक्ट डेटा की स्थिति में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति धनराशि नियम अनुसार मिलना संभव नहीं हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बात दे रखी है कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपका करेक्शन होना है, मगर अभी तक करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ना ही आप लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपका स्टेटस है वो अभी तक ओपन नहीं किया गया है। तो हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर आपका स्टेटस ओपन हो जाए। और कुछ न्यूज से ये भी पता चल रहा है कि जैसा कि आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एससी स्टूडेंट्स का जो करेक्शन पोर्टल है वो 3 से लेकर 6 फरवरी तक है, तो हो सकता है कि 3 फरवरी यानी कि आज या फिर कल को आपका स्टेटस भी आ जाए। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर, यहां पर आप लोग सिग्नेचर भी देख सकते हैं। और अगर कोई और अपडेट आती है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपका स्टेटस है वो नहीं आया है, हमने आपको ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही बताया था कि आपका जो स्टेटस है वो 30 जनवरी 31 जनवरी तक आ जाएगा, मगर स्टेटस आपका नहीं आया है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।